बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। जी तो जनाब, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम जो स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें जो है वो हज़रत बाबा फरीद का जो है वो उर्स भी होता है पाक पटन में। तो मैं अपना कॉन्टेंट जो है वो कंटिन्यू रखते हुए मैं आप लोगों से जो है वो अपने भाई जो मेरे हनी भाई हैं वो और मेरी जो अम्मी है वो पाकपटन गए हुए हैं, मैं उनकी जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगी और वहाँ उर्स में क्या क्या होता है और इनके सफ़र में क्या कुछ हुआ वो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। और मुहर्रमुल हराम की वजह से मैं कुछ वीडियोज़ अभी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से वो सारे क्लिप्स जो अम्मी की और हनी भाई की जर्नी के हैं वो सारे आपसे शेयर करूंगी। और एक और बात, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। ये एक फैमिली चैनल है और इंशाल्लाह आप लोगों को और बेहतरीन कॉन्टेंट आगे देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर चलते हैं हनी भाई की तरफ, वो आप लोगों को जो है वो सारी डिटेल से आगाह करेंगे, अपना जो उनकी जो जर्नी थी वो आप लोगों से शेयर करेंगे। और बीच बीच में मेरी भी वॉइस आती रहेगी आप लोगों को, लेकिन टोटली हनी भाई का मैंने जो है वो व्लॉग जो है वो रेडी किया है। आई होप एक मरतबा फिर से यही कहूंगी कि आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, बीच बीच में आप लोग मेरी वॉइस ओवर जो है वो सुनते रहेंगे। चलते हैं फिर हनी भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सदर फैसल ब्लॉग। आज है बहुत दो 3 तारीख अगस्त की, मैं और अम्मी जा रहे हैं पाक वतन हाजिरी के लिए। तो इंशाल्लाह जो सफ़र की रुदात होगी वो सफर के ब्लॉग सदफ के ब्लॉग में सॉरी आप देखते रहेंगे, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये स्टेशन पे जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है माशाल्लाह, लॉकडाउन में बहुत ये चल निकला था क्योंकि पूरा शहर बंद हुआ करता था और लॉकडाउन में ये रेस्टोरेंट खुला हुआ करता था। तो कराची शहर के सारे जो लोग हैं जो एंजॉय करने तफरी करने जो बेचारे बैठे होते थे घर पे, वो निकल आते थे और यहाँ पर आके चाय और खाना वाना रिफ्रेशमेंट मिल जाया करता था। तो यहीं से बस चाय लेकर स्टेशन की तरफ जाऊँगा और आगे इंशाल्लाह फिर बताता हूँ दोस्तों। तो सफ़र में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्रेन हमारी लेट है तो चाय लेने के लिए आया हूँ अपने लिए और अम्मी के लिए। इंशाल्लाह चाय लेकर फिर स्टेशन पहुँचते हैं। सेल्फी ले रहे पहले, ये ब्लॉग बना लूँ। ट्रेन में बैठते ही भूख लगी है और खाने की तैयारी हो रही है। फाइनली जी गाड़ी चल निकली है, फिक्स 12 बजे यहाँ से गाड़ी शुरू हुई है निकल। ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस का वॉशरूम है, ज़रा एक नज़र आपको दिखा दूँ। ये देख ले, ये पाकिस्तान रेलवे की हालत हमारी। कमोट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ही गंदा वाला कमोट। और ये एक अदर शीशा भी यहाँ पर लगा हुआ, देख सकते हैं आप। जी ये आ गया है, रात के 3 बजे हैं और ये हैदराबाद स्टॉप अभी आया। पहले चाय ट्राई करते हैं उसके बाद। चाय बहुत हले पर करे एक अच्छा चाय दोस्तों। तो 5 बजे और ये नवाब साहब से गुजर रहे हैं, बहुत लेट कर दिया यार, बहुत लेट कर दिया। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, इतना थका कर ले जा रही है कि ये नवाब साहब से गुजर रहे हैं और अभी 5 बजे हैं सुबह के। जी तो सखर पहुंच गए हैं, सखर रोड़ी। और एज यूजुअल पाकिस्तान रेलवे की हालत देखें, पानी बिल्कुल नहीं ट्रेन में भी और ना ही नलकों में पानी।
मजबूरी की हालत में लोग बेचारे मिनरल वाटर लेकर मुंह धो रहे हैं और उससे गुजारा किया जा रहा है। और चाय और खाने की तो क्वालिटी ना ही पूछी जाए। तो ये अम्मी ने फ्रेश हो गए, अम्मी तो मैं इंशाल्लाह अगले स्टेशन पर हूँ। ये नेस्कैफे की चाय मिल रही है माशाल्लाह यहाँ पर, तो लेने के लिए रुके हुए। चाय देखने से तो बड़ी मज़ेदार लग रही है, बस स्ट्रॉन्ग चाय हो यही दुआ। सोमे किस्मत की एसी वाली टिकट लेने के बावजूद भी अंदर चार्जिंग पॉइंट भी निकाले हुए हैं। ये हाल है पाकिस्तान रेलवे का। शाम 4 बजे चलने वाली ट्रेन रात को 12 बजे कराची से निकली है। और इतना दलील ख्वार किया हुआ मुसाफिरों को, ना पानी है गाड़ी में ना ही चार्जिंग पॉइंट्स है। और अभी भी इतना रुक रुक कर जा रही है आगे कि अल्लाह ही खैर करे कब पहुंचाएगी हमें ये। सबसे अच्छी चीज कचरा हमेशा कचरे के डब्बे में डाले। चार्जिंग पे फोन लगवाए और ये अम्मी और मैं इंतजार करें जब तक ट्रेन नहीं चल रही तब तक। चल निकली है रोड से, सर रोड़ी जंक्शन से। ये फाइनली मुल्तान पे रोक के काम हो रहा है एसी का। दुआ गो है कि अल्लाह करे कि काम हो जाए। मुसाफिरों की हालत बुरी कर दी है। मुल्तान स्टेशन पर मौजूद हैं और ये एसी का काम हो रहा है, बस अल्लाह खैर करे साहिवाल तक खैर खैरियत से पहुंचा दे। रोड़ी से ही ख़राब पड़ा हुआ एसी। ये हमारे कराची के दोस्तों ने गाड़ी की, यहाँ से अब साथ ही निकलेंगे सब। सियालकोट नहीं, साहिवाल। अभी 1 घंटे में पहुँचेंगे इंशाल्लाह।
बलोची चौक का है सर। बलोची चौक यहाँ से तो नहीं तो जी फाइनली साहिवाल पहुंच गए बहुत ही ख्वारी और जलालत के बाद पाक बिजनेस एक्सप्रेस पे। मशवरा तो ये कि कभी कोई सफर ना करे इस पे। अच्छा हमको सिखा रिया है। चले हम जा रहे हैं गाड़ी करवा के पाक पतन की तरफ। अब थोड़ा रिफ्रेशमेंट करेंगे चाय वाय पी के फिर इंशाल्लाह आगे पाक पतन की तरफ मूव करते हैं। ये साहिवाल पे नहर के किनारे ही एक होटल है वहाँ पर बैठ के अम्मी और मैं अब चाय पियेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी फाइनली पहुंच गए हम पाक पतन और इतनी खुशी अहमद भाई हमारे जो जानने वाले उनके घर पर मौजूद हूँ मैं। अम्मी फ्रेश होने गए और मैं फ्रेश होने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी जर्नी जो कि बहुत ही अगर मैं मशवरा दूं दोस्तों को भाइयों को तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस पे कभी भी सफ़र ना करें। बहुत रुसवा करवाया बहुत ही ख्वारी करवाई हम लोगों की। तो पाक पतन पहुंच गए आगे की रुदात इंशाल्लाह कल सुबह जब नेक्स्ट डे की इंशाल्लाह जब मज़ार पर हाजिरी देंगे तो आप सबको मैं अपडेट करता रहूँगा इस चीज़ से। तो देखते रहिए सदा फैसल ब्लॉग। और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।